जय हिंद किसान भाइयों, जय हिंद नर्सरी में स्वागत है। आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो हमारे सेब के पौधे हैं हम उनको किस तरह लगाएं। सेब, आड़ू, आलू बुखारा, खुमानी, बादाम, अखरोट, और आप इसी तरह अन्य पौधों की भी प्लांटेशन कर सकते हैं। आप इसमें 2x2 का एक गड्ढा करें, जैसा कि अब हमने ये बेड विधि कर रखी है। तो किसी भाई के पास अगर ड्रिप की सुविधा है तो वो इस तरह करें, अन्यथा आप उसको सीधा प्लेन ज़मीन पर भी गड्ढा कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पहले लगा रखे हैं। ये सेब का पौधा है, ये हरमन 99 है, और अब इसके पत्ते झड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके फिर इसमें फ्लावरिंग होगी और ये नोड आएंगे। इनको नोड बोलते हैं जिन पे फूल आएगा। ये होता है ये नोड, ये इन पे फूल आएगा। इसमें इसका जो कटिंग का समय है वो आप स्टार्टिंग के दिसंबर में कर सकते हैं, क्योंकि जब महाराष्ट्र के तरफ उसमें फूल नवंबर के लास्ट में आने लग जाते हैं, तो कोशिश करें कि फूल आने से पहले कटिंग कर दे और उसमें खाद दे दे। तो किसान साथियों, आप ये देखिए, ये गोबर की खाद सड़ी हुई है, या वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास ये खाद उपलब्ध ना हो। और ये करीब 20 किलो के लगभग एक गड्ढे में हम डालें तो इसको हम मिला देंगे। जो गड्ढे से मिट्टी निकली है इसके ऊपर डालो, जो गड्ढे से मिट्टी निकली है उसमें खाद ना मिला के, मेरे पास थोड़ा सूखा नहीं था, ये पानी दे चुके हैं। उस मिट्टी में जो गड्ढे से निकली है उसकी ऊपर की मिट्टी एक साइड कर ले, नीचे की एक साइड कर ले। ऊपर की जो मिट्टी आई है उसमें खाद मिलाकर और हम गड्ढे को अच्छी तरह कट लगा के हम इसको भर देंगे। किसान साथियों, हम इसमें हल्का सा बवास्टीन डाल सकते हैं, 10 ग्राम। ये देखिए, ये बवास्टीन है। बस हो गया, हो गया, हो गया। इस तरह एक बार ये गड्ढा करने के बाद इतना थोड़ा ये ऊंचा कर दें और एक बार इसमें हम पानी दे दें तो इसकी जो हवा है, जो मिट्टी के साथ जो गैप बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और एक दिन बाद इसमें हम प्लांटेशन करें। किसान भाइयों, जो हमारी नर्सरी से ले रहा है उसको फंगिसाइड से इस तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पौधे को फंगिसाइड से ट्रीट करके भेजते हैं। ये देखिए, हम इसलिए कहते हैं कि आप गड्ढे में पहले पानी दें, क्योंकि होता क्या है कि हम पहले पौधा लगा देते हैं और पौधा फिर वो नीचे बैठ जाता है, जड़ें ऊपर रह जाती है। अब ये देखिए, हमने बिल्कुल इसको लेवल कर दिया था और अब इसमें कितना गैप आ गया। किसान साथियों, ये जो आप पौधे देख रहे हैं, ये जिस पे ब्लैक पेंट हो रहा है ये अन्ना है, ये ब्लैक पेंट है इस पे। और ये डोरसेट गोल्डन है, इस पे हमने सफ़ेद पेंट कर रखा है। और जो ये ताज़ा ग्राफ्टिंग है ये हरिमन शर्मा जी की है, HRMN 99, ये ताज़ा ग्राफ्टिंग है। तो आप जो हम पौधे भेज रहे हैं ये ध्यान रखें कि ये जो ताज़ा ग्राफ्टिंग है, ये वीडियो 11 दिसंबर 2020 का है। आप ये ध्यान रखें कि ये वीडियो आगे तक जो पौधे जाएंगे, कोई ज़रूर नहीं है कि वो इस तरह का हो, वो एक साल वाले पुराने भी मिल सकते हैं। तो डेट का बिल्कुल ध्यान रखें, ये इस साल के लिए है जो किसान भाई ले रहे हैं हमसे पौधे। मैं दोबारा से बता दूं, ये अन्ना वेराइटी में ब्लैक कलर रहेगा, ये डोरसेट गोल्डन में वाइट रहेगा। अब इसको लगाने की विधि क्या है, आपको जो हमारा कोरियर आएगा उसका लगाने का तरीका क्या है कि अब ये नीचे देखिए, ये अब बैठ चुकी है मिट्टी। अब इसमें ये काफ़ी खड़ा है, ये है। अब इसमें हम मिट्टी डाल देंगे साइडों से और लेकर।
किसान भाइयों, ये जो सफ़ेद कलर है ये हम डोरसेट गोल्डन को हम लगा रहे हैं। हमें इस तरह का पौधा मिलेगा जो कि कोकोपीट और परलाइट वर्मिकोलाइट में होगा। पैकिंग में वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम इसकी जगह, अब ये हमने गड्ढा खोदा था और इसमें खाद वगैरह डाल दिया, ऊपर से पानी डाल दिया, और हम इसको ऐसे आराम से लगा देंगे। ज़्यादा गहरा ना दबाना है, ये आप ध्यान रखें। पौधा लग गया, हल्का सा हमें करना है कि जिससे थोड़ा पानी रुक जाए एक बार देने पर, फिर उसके बाद हम ड्रिप लगा देंगे। ये पानी के साथ ये क्लोरोपाइरोफास दवा है दीमक की, हम इसमें 15 ml डाल देंगे जिसमें दीमक नहीं लगेगी। किसान साथियों, जो हमने वीडियो में बताया है इस तरह आप अपने पौधे के प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।